नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। इसके पहला चैप्टर जो था उसका वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोगों ने वीडियो देखा भी है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का था, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए इसको भी आप कह सकते हैं, ये चैप्टर बड़ा है, इसको आप दो पार्ट में बांट के देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग से स्टडी कर लेते हैं और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, या फिर इसी के एप्लीकेशन पे हम लोग कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल टर्म एनर्जी से ही आया है, किसी खास कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये वर्क एनर्जी पावर पढ़ते समय भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी वहाँ डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, और वर्क पावर एनर्जी में आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया होगा कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग नाम से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जानते हैं, पर सभी जगह पे जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है पोटेंशियल एनर्जी का, वो सेम रहता है। तो पहले हम लोग को ये जानना है, समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या मीनिंग रखता है। अंकुर, श्रेया, रूपा, अक्षा, राहुल, इतने लोग आ गए हैं। शिवम प्रजापति, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पहले भी पढ़े हैं, वर्क एनर्जी पावर में हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जहाँ कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ना कोई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। जब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, और सिस्टम होने के लिए मिनिमम दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट होने चाहिए। तो या सिस्टम ऑफ चार्जेज की बात करेंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म आएगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है पहले समझें। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज ए या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी सिस्टम का एनर्जी उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो सिस्टम की जब बात करते हैं तो एक सिंगल पॉइंट सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकता है, सिस्टम के लिए दो या दो से अधिक पॉइंट्स चाहिए। तो इसीलिए कई जगहों पे कहते हैं हम लोग कि सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए जिसमें कम से कम दो पॉइंट चार्ज हो या उससे ज़्यादा हो। और पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए जो पार्टिकल्स हम लोग कंसिडर करते हैं उनके बीच किसी न किसी तरह के फोर्स होना चाहिए, इंट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। और जिस तरह का फोर्स होगा दो पॉइंट के बीच, उस फोर्स के आधार पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का नाम रखते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग कहेंगे तो दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट
जब कभी भी उसके पोजीशन को या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ये पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन जब भी चेंज करेंगे तो सिस्टम को कुछ एनर्जी देना पड़ता है या सिस्टम से कुछ एनर्जी रिलीज होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, तो जो फोर्स इस पे लगा रहा है, ऑब्वियसली अभी मैं लगा रहा हूँ, फोर्स लगा करके अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दिया है। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो उतना एनर्जी ये रिलीज करता है, वो किसी को हिट करेगा या एयर को धक्का देकर के उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र किया, तो आप देख सकते हैं कि किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को जब बदलते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाता है। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी है वो किस तरह का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और ये एनर्जी तभी आएगा जब उन सभी पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट जब कोई काम हम लोग करते हैं, तब जब कोई काम करता है तो उसका एनर्जी खर्च होता है, वो एनर्जी दूसरे सिस्टम में चला जाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी कहला रहा है। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए जो बेसिक बातें याद रखनी है, आपको समझनी है, वो ये है कि मिनिमम दो पॉइंट होने चाहिए या दो पॉइंट मास सिस्टम होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी पॉइंट मास सिस्टम है उनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, और आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी कॉन्फ़िगरेशन के कारण है इसलिए इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी भी कहते हैं। और इसके बारे में क्या याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड। सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में ही डिस्कस किए कि अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है उस पर कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं आसपास में। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके आसपास सराउंडिंग में कोई नहीं है, या अगर कोई है भी तो उसके फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तब वैसे केस में ही उसको हम लोग आइसोलेटेड कहते हैं। तो सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उस पर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, तब उसको आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाइए, उसमें किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब तक किसी पे फोर्स ना लगे तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे नहीं, या आप जब फोर्स लगाएंगे तो उसको वो अपोज नहीं करेगा। तो आपको जीरो फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट खुद ब खुद जब चला जाता है, तो वैसे केस में उसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कहेंगे। और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है जब तक कम से कम दो पॉइंट चार्ज ना हो। आइए अब हम लोग पहले समझते हैं इसमें दो पॉइंट चार्ज के लिए जैसे एक सिस्टम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक सिस्टम होना चाहिए तो
कोई सबसे छोटा सिस्टम जो होगा वो 2 पॉइंट चार्ज का होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, उसके पहले एक और पॉइंट समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जब आपको कैलकुलेट करना कोई सिस्टम है पहले से, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी अगर पूछा जाए तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, पर जब हम इसके पोजीशन को चेंज करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो इस चेंज को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। मान लेते हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं, तो 1 × 0.1 यानी कि ये 0.1 जूल करीब एनर्जी मेरा खर्च हुआ, वो एनर्जी सिस्टम में चला गया। अब आप इसको छोड़ेंगे तो ये 0.1 जूल एनर्जी रिलीज करेगा इस अपने इनिशियल पोजीशन में आने के लिए। तो यहाँ इनिशियल पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकेंड पोजीशन है। फर्स्ट से सेकेंड में जब भी आप लाएंगे तो आप इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी था और ये जो सेकेंड पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों के बीच 0.1 जूल का डिफरेंस है। यानी फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों के बीच 0.1 जूल का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसा कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, दो पोजीशन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या डिटरमाइंड कह सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। सिर्फ हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को पता कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तब ऐसे में एक समस्या आएगी कि जब कभी भी हमको अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी पता करना हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ रखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, फोर्थ पे रखना है, तो 1 से 2 का डिफरेंस, 1 से 3 का, 1 से 4 का पता चलेगा, फिर 2 से 3 का पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए आपको दोनों के बीच का चेंज पता करना पड़ेगा। तो किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर पता करना हो तो दोनों का पोटेंशियल अगर पता है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आप डिफरेंस लेकर के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस लेने वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 0 है। अब 1 से 3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 3rd पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि ये 3rd का पोटेंशियल माइनस U1 करेंगे, U1 0 है, तो U3 माइनस U1 जो हो गया वो U3 के बराबर हो गया, अगर इसको 0 मानते हैं। इसको सिर्फ मान लिए, इसके मानने से क्या फ़ायदा होगा कि हमको यहाँ डायरेक्ट U3 मिल गया रिलेटिव टू 1। ये U3 का पोटेंशियल एनर्जी है, पर किस कंडीशन में, जब हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले रहे हैं। जैसे इसी एग्जांपल में कह रहे हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर आप 0 मान लेंगे तो यहाँ 0.1 जूल है, और यहाँ करेंगे तो 0.2 जूल है, तो 0.1 से 0.2 में जाने के लिए हमको 0.1 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे आप अलग अलग पोजीशंस का पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। तो अगर इसको रेफरेंस मान लिए हैं तो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 जो है वो U2 माइनस U1 के बराबर है, इनफैक्ट पर U1 क्योंकि 0 है इसलिए डायरेक्ट U2 लिख सकते हैं, और इसको U4 लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल पता करने के लिए किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे जब किसी चार्ज को रखते हैं, ये चार्ज है जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4 पे मूव करा रहे हैं, तो अलग अलग पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए किसी एक पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के लिए 0 मानते हैं, या कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग मान सकते हैं। किसी किसी केस में हम लोग वहाँ पे इनफिनाइट पोटेंशियल एनर्जी मान लिए, या 0 मान लिए, 10 मान लिए। इन जनरल क्या होता है कि जब रेफरेंस की बात की जाती है तो हम लोग रेफरेंस के लिए 0 ही चूज करते हैं। जब कभी भी हमको पोटेंशियल बताना हो किसी पोजीशन पे,
तो आपको साथ साथ रेफरेंस भी बताना पड़ेगा, या कोई आपसे सवाल पूछे किस पोजीशन पे पोटेंशियल बताइए, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात जब हम लोग करते हैं तो इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लोर से इसकी जो हाइट है वो हाइट पता होना चाहिए, और आप उसमें मानेंगे किस फ्लोर पे जो पोटेंशियल है इसका वो जीरो है, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं, अदरवाइज आप पोटेंशियल डिफरेंस ही सिर्फ बता सकते हैं। तो हम लोग जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं, पर जब हम लोग दो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लोग रेफरेंस क्या लेते हैं, रेफरेंस के लिए किसी एक पोजीशन पे दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना होगा। तो हम लोग मानते हैं फॉर रेफरेंस, लिखेंगे इसको फॉर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज टेकन टू बी जीरो। दो पॉइंट चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। अब उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी पोजीशन पे चार्ज को लाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको खर्च करना होगा वही उस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर पता करना हो तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। क्वालिटेटिवली पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये तो समझ गए हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी हो तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग पहले समझेंगे। तो पहला ही केस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उनका पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट बताना होगा तो क्या करेंगे। एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं Q1 है और कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे मान लेते हैं दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताना है। तो अभी भी हम लोग कह रहे थे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे ये R1 डिस्टेंस पे है और ये Q को ले के चले गए Q2 को, इसको r डिस्टेंस पे कह रहे हैं और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसको R2 कह दे रहे हैं और ये R1 इज इक्वल्स टू R है मान लेते हैं। तो R1 पे डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, R2 पे क्या है ये नहीं बता सकते हैं, पर R1 से R2 के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा यानी इसको यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसको बताया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है ये देखेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात जो रेफरेंस वाली बात आई, किसी एक पोजीशन पे जीरो मानना है, अगर ये R2 इन्फिनिटी हो जाए, दो पॉइंट चार्ज इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो, तब वैसे केस में यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो मान लिया जाता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तब इसके रेफरेंस में इधर कोई भी पॉइंट पे आप आ जाइए, उन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी आसानी से बताया जा सकता है। सब लोग यहाँ तक सारे पॉइंट्स समझ रहे हैं तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन के तरफ, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम लोग, एक पोजीशन को फिक्स रखें, एक चार्ज जो पॉइंट चार्ज है Q1 उसके पोजीशन को फिक्स रख रहे हैं और दूसरे पॉइंट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे ले जा रहे हैं, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है या कह सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो रहा है। दोनों में लगभग बात एक ही है, बस देखने का तरीका अलग है और कहने का तरीका अलग है। आप दो पॉइंट चार्ज में गैप बढ़ते हुए देखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हुआ दिखेगा, या फिर एक चार्ज को आप स्टेबल देख रहे हैं या उसी जगह पे आप रेफरेंस ले लिए हैं पॉइंट उसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो दूसरा चार्ज मूव करता हुआ दिखेगा,
तो दूसरे चार्ज का पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन चेंज होना या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना दोनों एक ही बात है। अब हम अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लिए हैं तो ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस के लिए पोटेंशियल अगर हम लोग मान लिए हैं तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता करना होता है। चेंज इन पोटेंशियल जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पहले भी बताए हैं, वो बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और ये वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ना हो तो इसको एक बार हम लोग डेफिनेशन के तौर पे लिख भी लें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू क्या बताता है, यू पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, डेल्टा यू बताता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चेंज स्लोली, या फिर ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इस चीज़ को वर्क पावर एनर्जी में भी हम लोग समझे थे, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। दोनों देता एक ही चीज़ है, बस तरीका अलग अलग है कैलकुलेट करने का। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन एग्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के जगह पे इंटरनल फोर्स को कंसीडर करते हैं, इंटरनल फोर्स जो वर्क डन करता है उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कैसे समझे, चलिए ये दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं। जितना अट्रैक्शन का फोर्स है उतना ही फोर्स लगाएंगे तब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू ब्रिंग द चेंज स्लोली टर्म लिखे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स आप चाहे तो या एक न्यूटन की ज़रूरत है, वहाँ 1000 न्यूटन लगाएंगे तो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो अगर आप 1000 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा वर्क डन होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसको कैसे लाएंगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ज़्यादा फोर्स अगर लगा दिए एक्सटर्नल फोर्स तो उसके कारण जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स हमको कितना लगाना है, इंटरनल फोर्स के बराबर, ताकि जो चेंज है वो स्लोली आए। तो एक्सटर्नल फोर्स आप कैसे लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसको आप धक्का देख के अगर उधर ले जा रहे हैं मतलब इंटरनल फोर्स इधर लग रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके ठीक अपोजिट इंटरनल फोर्स लग रहा होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा इंटरनल फोर्स उसका नेगेटिव वर्क डन करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है उससे पता चलता है कि सिस्टम में कितना एनर्जी आया, और इंटरनल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के ठीक उल्टा करता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, यानी सिस्टम ने कितना वर्क डन किया। तो सिस्टम ने जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी को घटाता है, इसलिए भी यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे समझिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट इंटरनल फोर्स रहता है, तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के ठीक नेगेटिव होता है। मान लीजिए 10 जूल हम वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो इंटरनल फोर्स का -10 जूल वर्क डन होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -10 नहीं लिखना होगा, उसमें माइनस लगा देंगे तो +10 ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखना होगा। तो हम लोग जनरली इसी को लेकर के चलते हैं। ये जो नीचे वाला टर्म है कि वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, हमेशा इसको इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा ये भी तो इंटरनल फोर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स की जानकारी कहाँ से मिलती है, इंटरनल फोर्स से मिलता है। तो एक्सटर्नल फोर्स ना लेकर के हम इंटरनल फोर्स ही ले लें, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करेगा या फिर कूलम्स लॉ को फॉलो करेगा अगर दो चार्ज के बीच फोर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सेकेंड वाले पॉइंट को कहीं भी बीच में एक पॉइंट पे रखते हैं, ये बीच का जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पे है मान लेते हैं। तो इस वक्त अगर दोनों को पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो जो इंटरनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो बाहर की तरफ लगेगा, ये इंटरनल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स आपको किधर लगाना पड़ेगा, उल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो बहुत तेज़ी से भागना चाहेगा। एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना है, धीरे धीरे इसको यहाँ तक लेके जाना है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के ठीक बराबर है। अब इंटरनल फोर्स के कारण Q2 जो चार्ज है उसको यहाँ फर्स्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाना है, या पॉइंट P से इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है। ये पॉइंट P मान लेते हैं। P से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। तो पॉइंट P से इन्फिनिटी तक लेकर के चलते हैं और देखते हैं इंटरनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है। जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा, यस, या आप कहिए जो इंटरनल फोर्स का वर्क डन होगा उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। हमको करना क्या है, पॉइंट पी से इन्फिनिटी तक जाना है और नेगेटिव ऑफ इंटरनल फोर्स डॉट डी आर, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे स्मॉल स्टेप में। डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस करते जाएंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको जो हम लोग अभी आर मान रहे हैं वो चेंज होता रहेगा समय के साथ। पहले ये R1 पे था, R1 को ही R मान रहे हैं, तो R से लेकर के इन्फिनिटी तक R को बदलते रहना है। ये जो लोअर लिमिट है उसको भी R मान लिए हैं ताकि जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना बहुत आसान हो, और कोई कारण नहीं है। तो इंटरनल फोर्स डॉट dr, इससे जो वर्क डन मिलेगा, अगर ये इंटरनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है मतलब आप उस पर पॉजिटिव वर्क डन किए हैं, तो नेगेटिव कर रहा तो उसमें माइनस साइन लगा देंगे, प्लस हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन करेगा तो आपको सिस्टम पे नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव सिंबल जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस है या माइनस उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अब दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, वो R डिस्टेंस पे है, उनके बीच फोर्स क्या लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से लेकर के आते हैं, कूलम्स लॉ से लेकर के आते हैं, और डॉट dr है। अब देखिए जो इंटरनल फोर्स है और जो dr लिए हैं, dr को भी हम लोग R से इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसी तरफ डिस्प्लेस करना होगा। तो dr और इंटरनल फोर्स का डायरेक्शन सेम है, a डॉट b होता है जनरली, a b cos थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ आप cos 0 भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 आता है तो आप 1 लिखें या नहीं लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको इंटू 1 कर दे या छोड़ भी सकते हैं, या नेगेटिव साइन है। लिमिट क्या लेना है, R जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रहा है, इसमें बाकी सब कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले चेक कर लीजिए कि वेरिएबल कौन है, उसको R के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। तो वेरिएबल सिर्फ R होना चाहिए, कोई और वेरिएबल है तो उसको R के टर्म में पहले चेंज कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो R ही वेरिएबल है, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो अच्छी बात है, या कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस R का लिमिट सोचना है। R का लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, कि R1 से इन्फिनिटी तक, और R1 को ही हम R मान रहे हैं तो R से इन्फिनिटी तक। उसके लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फाइनल पोजीशन है यू इन्फिनिटी माइनस किसी पॉइंट पी का यू, ठीक है, या आर पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस के Q1 Q2 वन बाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया R^-2, इसको इंटीग्रेट करना है R से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये x^n वाले फार्मूले पे चलेगा, इसको R को सही से लिखें। x^n का इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखना है, x^n का इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए। x^n को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे याद रखिए, फार्मूला याद रखने के लिए, कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर एक कम हो जाता है, जो भी n का वैल्यू है n माइनस 1 कर देते हैं, ये n की वैल्यू कहा जा रहा है जो पावर है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ जाता है। बस ये ट्रिक है याद रखने के लिए, इंटीग्रेशन का मतलब समझिए जोड़ना है और डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाइड करना है, छोटा करना है। तो वैसे आप याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन में पावर जितना भी है उसमें प्लस 1 कर देना, पावर माइनस 2 है प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और फिर उसी से डिवाइड भी करते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 लिखते हैं यहाँ। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपको, वो रिजल्ट मिलेगा आपका माइनस के Q1 Q2 R^-1 बाई माइनस 1। तो माइनस 1 अगर यहाँ नीचे लिखते हैं
इसको बाहर लेके आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट है R से इन्फिनिटी तक। ये 1/r हो गया है, Q1 Q2 1/r में लिमिट रखना है, एक बार इन्फिनिटी, एक बार रख देते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी, और दूसरा लिमिट रखना है R। तो यहाँ से रिजल्ट मिला हमारा कि ये तो जीरो हो गया 1/∞, ये माइनस है तो -1/r इससे मल्टीप्लाई होगा तो -Q1 Q2 r हुआ। सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है और इसको हम लोग मान रहे हैं जीरो। तो जीरो माइनस यू आर हो जाएगा, -UR = -K Q1 Q2 r है, तो UR = क्या होगा, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, K Q1 Q2 r। ये फॉर्मूला, सिंगल फार्मूला आपको याद रखना है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे जगहों पे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। जो कूलम्स लॉ का फार्मूला आप याद किया होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 r² फोर्स के लिए। पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्ज के बीच क्या है, K Q1 Q2 r है, जो r² था वहाँ पे r आ गया बस। तो ये याद करने के लिए आप सीधा सीधी कर सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स को r से मल्टीप्लाई कर दिए तो एनर्जी आ गया। वैसे ही सिर्फ याद करने का ट्रिक है, तो वैसे याद कर सकते हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K Q1 Q2 r है। अब ये जो Q1 Q2 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये हम लोग पहले तय नहीं किए थे, दोनों को मान के चल रहे थे पॉजिटिव, उस हिसाब से सब काम किए। अगर कोई नेगेटिव होता तो वैल्यू माइनस होता, सब डायरेक्शन चेंज हो जाता फोर्स का, तो उससे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता तो साइन भी चेंज होता, बस यही फ़र्क आता है। तो ये रिजल्ट इतना इफेक्टिव है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा ये प्लस में माइनस में, वही रिजल्ट आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तब भी आएगा। तो इस सिंगल फार्मूला के मदद से हम लोग दो पॉइंट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर हो या सिमिलर ना हो, दोनों ही केसेज में Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो पॉइंट मास के बीच जो इंट्रैक्शन का फोर्स है उसके कारण ही पोटेंशियल एनर्जी है। वो इंट्रैक्शन का फोर्स अगर अट्रैक्टिव नेचर का है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब अट्रैक्ट करेगा। आप ग्रेविटेशन में देखे होंगे दो पॉइंट मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि वहाँ फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा होता है। जहाँ रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी दोनों सिमिलर चार्ज होगा प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स जहाँ होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। तो साइन में कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। पर इन सब में फिर एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम किसी पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट बताते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट मिला है वो रेफरेंस क्या लिया गया था यहाँ पे, कि इनफिनाइट डिस्टेंस पे दो पॉइंट चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब r डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और मान लेते तब रिजल्ट आपका चेंज हो जाता। तो कई बार सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, उसमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पहले से दिया हुआ है, या सवाल ऐसा होता है कि दो पॉइंट चार्ज जब आपस में जीरो डिस्टेंस पे है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानिए, तब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन से वो अपने आप खुद उधर जाता है, उसको पास लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना होता है। तो सब केस उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस की जगह नेगेटिव भी हो जाता है, कुछ और भी आ सकता था। तो जो रिजल्ट है वो किसके रेफरेंस में है वो रेफरेंस भी याद रखना है, ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया किसी दो पॉइंट चार्ज के लिए। एक और तरीका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जब किसी सिंगल पॉइंट चार्ज का एक्सटर्नल फील्ड में पता करना हो तब कैसे करते हैं। दूसरा केस हम लोग को देखना इसी में, इसको हम लोग रैप करते हैं। सेकेंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज
इन एंड एक्सटर्नल फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज का किस एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हमको पता करना है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अभी भी आप लोगों को मैंने बताया कि एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड नहीं है या उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पर सिंगल पॉइंट चार्ज का होता है। सिंगल पॉइंट चार्ज हम लोग कह रहे हैं इन एक्सटर्नल फील्ड, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो किसी दूसरे चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो सिस्टम का वो भी हिस्सा यहाँ पे हो गया। हम आइसोलेटेड पॉइंट मास की या पॉइंट चार्ज की बात नहीं कह रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब लेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करने वाला भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। तो हमारे सिस्टम में सिर्फ एक पॉइंट चार्ज नहीं है, दूसरा जो सिस्टम है उसका सिर्फ फील्ड देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि फील्ड से ही हमको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स लगा सकता है, तो और इस पोजीशन पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो उसका डेफिनेशन सीधा है कि इन्फिनिटी पे अगर वो चार्ज लिया जाए, जो चार्ज जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उस चार्ज को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इस इन्फिनिटी वाले पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। किसी एक पोजीशन पे जीरो मानना होगा तब दूसरे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कही जा सकती है, की जा सकती है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे अगर चार्ज को रखते हैं तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज क्यू पे जो फोर्स है, जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्यू इंटू ई के बराबर होता है। तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, और इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये इनिशियल पोजिशन है जिसको जीरो मान रहे हैं, तो यहाँ पे u माइनस यू इन्फिनिटी है और इसको जीरो मान रहे हैं, तो इस पोजीशन का सीधे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात जब करेंगे तो सीधे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ एफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके जगह पे हम लिख सकते हैं q इंटू ई डॉट डी आर, इसी का इंटीग्रेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ केसेज ऐसा लेंगे जहाँ कांस्टेंट होगा, या ये जो है आर के साथ कैसे वैरी कर रहा है इसको आर के फंक्शन में लिख देंगे तब इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो अलग अलग केसेज हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए किसी पोजिशन पर एक्सटर्नल फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता करना हो किसी चार्ज का, तो इसको आप माइनस क्यू को बाहर ले सकते हैं, ई डॉट डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक, या पॉइंट पी को आर के टर्म में और किसी टर्म में लिखा जा सकता है। डिस्टेंस वहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी ले रहे हैं डिस्टेंस के टर्म में करेंगे तो पोजीशन पी का कुछ डिस्टेंस होगा, आर होगा, एक्स होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पता करना है किसी पॉइंट चार्ज का। उसके लिए दो पॉइंट चार्ज दिया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पता कर लेंगे। अब इसके अलावा दो से ज़्यादा पॉइंट चार्ज होगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे, या कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप पॉइंट पॉइंट गिन नहीं सकते, तब वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस बनाते हैं, हर सेक्शन को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं और हर पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उन सबको ऐड करना है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को और एक कॉन्सेप्ट जानना है जो इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से ही कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मदद से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना और आसान हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, और जो आगे का बच गया है कि ढेर सारे पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के लिए
आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तब सवाल भी बहुत आसानी से करेंगे और किसी भी तरह के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो पोटेंशियल पे बेस्ड होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा इसी टाइम पे है, ठीक है। कल हम लोग 1 बजे ठीक मिलेंगे, आज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हम लोग थोड़ा अर्ली कनेक्ट नहीं कर पाए, पर 1 से 2 का टाइम है, उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग उस टाइम कनेक्ट कर सकें। आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को फिर से धन्यवाद। आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर अगर कोई डाउट रह गया हो, तो अगले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि फिर से आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है।